वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 29 नवंबर 2023, और 29 नवंबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदल दिया गया, और बरदा वन्य जीव अभ्यारण्य ऐसे शहरों का दूसरा घर बन गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो रोज आपको सुबह 7 बजे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ ये करंट की क्लास है मिलती है। तो सारे साथी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर देते हैं। देखिए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 10 से 17 दिसंबर तक इनका आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के किन जिलों में स्थापित किया जाएगा? तो सागर, दमोह, नरसिंहपुर। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किस शहर में गैल के फ्लोटिंग सीएनजी और मोबाइल रिफिलिंग यूनिट स्टेशन का शुभारंभ किया? तो वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। किस देश ने भारतीय आगंतुकों और चीनी नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की शुरुआत की? तो ये की है मलेशिया ने। सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस पर किसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 7 फीट से अधिक ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू ने। 2001 से 2023 तक 213 देशों को $670 बिलियन की सहायता देकर कौन सा देश अग्रणी सहायता प्रदाता के रूप में उभरा? तो वो है अमेरिका। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को नो नॉन वेज डे घोषित किया? तो ये 25 नवंबर यानी कि शनिवार। किस राज्य सरकार ने सड़कों के नाम अभिनेता विक्रम गोखले के नाम पर रखने का फैसला किया? तो ये किया है महाराष्ट्र सरकार ने। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर दिया है। तो बढ़िया तरीके से आप रोज सुबह करंट की क्लास मिलती है, और कल शाम मैंने 4 बजे प्रमुख जो रक्षा प्रौद्योगिकी यानी कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, जितने भी शानदार पॉइंट बनते थे, जितने भी जो है सफलतापूर्वक जो परीक्षण किए गए हैं, उनकी आपको कल मैंने जनवरी से लेकर नवंबर तक एक बढ़िया तरीके से क्लास मैंने आपको दे दी है। इसके अलावा आपको ऐप के अंदर एनसीईआरटी बुक की आपको लगातार टेस्ट सीरीज दी जा रही है, और यूट्यूब पर भी इसकी व्याख्या आपको मिल रही है। पहला क्वेश्चन देखो आज की क्लास का, हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो ये मिला है पॉल लिंच को। ऑप्शन नंबर एक किसको मिला है, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है पॉल लिंच, और इनको 2023 का बुकर पुरस्कार मिला है। अगर मैं आपसे पूछा जाए भी 2022 का बुकर पुरस्कार किसे मिला, तो ये सेहान करुणा तिलका को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला, और अब 2023 का बुकर पुरस्कार मिल चुका है, पॉल लिंच को मिला है। ये देखो तस्वीर में आप देख सकते हो। देखो, बुकर पुरस्कार 2023 के विजेता इस साल आयरिस का मतलब होता है आयरलैंड के, ये लेखक हैं। कहाँ के? आयरिस का मतलब आयरलैंड के लेखक हैं पॉल लिंच 2023 बुकर पुरस्कार के विजेता बने। पॉल लिंच को उनकी किताब पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 से इनको सम्मानित किया गया, और इस उपन्यास में 4 बच्चों की माँ की कहानी को दर्शाया गया है। तो आपसे पूछा जाए भी इसमें इस उपन्यास में किसको दर्शाया गया, तो 4 बच्चों की माँ है उसकी कहानी को दर्शाया गया है, और 2022 में श्रीलंकाई लेखक थे सेहान करुणा तिलका ने बुकर पुरस्कार जीता था। 2023 का किसने जीत लिया, आयरलैंड के लेखक है पॉल लिंच ने जीता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या रखा है? हाल ही में केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदल दिया गया, और अब नाम हो चुका है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ऑप्शन नंबर डी क्या कर दिया, आयुष्मान आरोग्य मंदिर इनका नाम है कर दिया, यानी कि पहले नाम था आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केंद्र थे, अब उनका नाम कर दिया आयुष्मान आरोग्य मंदिर। देखो मुख्य तथ्य, केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों APHWC का नाम बदलकर आरोग्यम परम धनम टैगलाइन के साथ आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा है। बीते 5 साल में देश भर में 1.6 लाख से अधिक आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस केंद्रों की स्थापना की गई है। तो इनका नाम बदल दिया गया आरोग्य
आयुष्मान आरोग्य मंदिर इनका नाम रख दिया गया। और पीछे 5 साल बीते हैं उनमें क्या है, देश में 1.6 लाख से अधिक जो आयुष्मान भारत हेल्थ है वेलनेस केंद्र की स्थापना की गई। ये योजना केंद्र सरकार द्वारा 2018 में इसकी शुरुआत हुई। इस योजना के तहत कम आय वाले लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल और स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है। इस योजना का मतलब क्या है भी, जो लोग हैं उनको क्या है, मुफ्त स्वास्थ्य जो है उनका जो स्वास्थ्य बीमा है वो भी मुफ्त में किया जाएगा। तो 2018 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य में 9वां राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया है? भारतीय तटरक्षक बल, तो वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है, तो वो है राकेश पाल। याद रखना, अभी ताजा इनकी नियुक्ति हुई है, राकेश पाल है वो भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं। तो उन्होंने किस राज्य में 9वां राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया, तो ये किया है गुजरात के अंदर। कहाँ पर किया है ये देखो, तस्वीर में आप देख सकते हो, ये भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात के अंदर किया है 9वां राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास है आयोजित किया है। देखो, भारतीय तटरक्षक बल ICG की ओर से गुजरात के वाडी नगर में 9वां राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास, याद रखना है, NATO TOPLEX 9 आयोजित किया है। इस अभ्यास में 31 से अधिक से विदेशी पर्यवेक्षकों और 80 प्रतिनिधियों ने इसके अंदर भाग लिया। तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल और राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना के अध्यक्ष ने अभ्यास के दौरान सभी एजेंसियों को परखा है। तो याद रखना, वैसे गुजरात के अंदर इसका आयोजन किया गया। हाल ही में प्राकृतिक गैस के साथ संपीड़ित बायोगैस का अनिवार्य मिश्रण कब से शुरू होगा, तो ये ताजा आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन है आपके लिए। तो प्राकृतिक गैस के साथ है संपीड़ित बायोगैस का अनिवार्य मिश्रण है वो कब शुरू होगा, तो ये होगा अप्रैल 2025 से। कब से शुरू होगा ये, अप्रैल 2025 से इसकी शुरुआत होगी। देखो, प्राकृतिक गैस के साथ संपीड़ित बायोगैस का अनिवार्य मिश्रण अप्रैल 2025 में शुरू होने वाला है। प्रारंभिक चरण में अप्रैल 2025 से ये शुरू होकर ऑटोमोबाइल और घरों में उपयोग के लिए 1% मिश्रण अनिवार्य होगा। यानी कि जब इसकी शुरुआत होगी ना, जब मतलब प्राकृतिक गैस के साथ बायोगैस का इसमें मिश्रण किया जाएगा तब इसकी शुरुआत होगी, तब इसमें 1% मिश्रण अनिवार्य होगा। ऊर्जा स्थिरता की दिशा में भारत सरकार ने प्राकृतिक गैस के साथ है संपीड़ित बायोगैस के मिश्रण की चरणबद्ध शुरुआत की घोषणा की। यानी कि उन्होंने क्या, प्राकृतिक गैस के गैस होती है ना, उसके साथ संपीड़ित बायोगैस का मिश्रण है किया है। इस पहल का उद्देश्य ये होगा कि घरेलू मांग को बढ़ावा देना, प्राकृतिक गैस आयात पर निर्भरता कम करना और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता में योगदान है करना है। और ये भी पॉइंट याद रखना है कि 2027 तक विमान टरबाइन ईंधन में 1% SAF रखने का लक्ष्य है, जो शुरुआत में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर है लागू होगा और इसके बाद में लगभग 2028 में ये दोगुना कर दिया जाएगा। तो ये याद रखना है आपको, जो मैंने आपको पूरा ये परसेंटेज और लक्ष्य बताया ना, ये पॉइंट आपको याद रखने, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में बर्दा वन्य जीव अभयारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बनने जा रहा है, यह अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बर्दा वन्य जीव अभयारण्य है वो एशियाई शेरों का दूसरा घर बनने जा रहा है और ये अभयारण्य स्थित है गुजरात के अंदर। कहाँ पर स्थित है, गुजरात के अंदर ये अभयारण्य स्थित है। देखो, गिर राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य, पहला था गिर, आपको पता है गुजरात में है। इस अभयारण्य के बाद बर्दा वन्य जीव अभयारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बनने के लिए तैयार है। पहला कौन सा है, पहला गिर राष्ट्रीय उद्यान है, अब दूसरा बनेगा बर्दा वन्य जीव अभयारण्य। गुजरात वन विभाग ने प्रोजेक्ट लोयन एट 2047 के हिस्से के रूप में BWS के यानी कि वर्धा वन्य जीव अभयारण्य को शेरों का दूसरा घर बनाने का प्रस्ताव है प्रस्तुत किया। प्रोजेक्ट लोयन एट 2047 भारत सरकार द्वारा 2021 में शुरू की गई एक पहल है। तो ये प्रोजेक्ट है ना, ये भारत सरकार द्वारा एक 2021 में शुरू की गई पहल है। इस पहल के तहत क्या है, इसमें शेरों को दूसरा घर बनाने का प्रस्ताव है दिया गया। हाल ही में किस लिमिटेड ने PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 में वार्षिक रिपोर्ट श्रेणी में दूसरा पुरस्कार जीता है, और ये जीता है किसने, NHPC लिमिटेड ने, ऑप्शन नंबर डी, किसने, मैं नाम लिख देता हूं यहां पर है NHPC, ठीक है, NHPC ने क्या है
PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 में वार्षिक रिपोर्ट श्रेणी में दूसरा पुरस्कार है जीता है किसने, NHPC ने। देखो NHPC लिमिटेड ने अपनी 2022-23 वार्षिक रिपोर्ट की उत्कृष्ट गुणवत्ता, लेआउट और डिजाइन को मान्यता देते हुए PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 में वार्षिक रिपोर्ट श्रेणी में दूसरा पुरस्कार है जीता। NHPC को यह सम्मान 25 से 27 नवंबर 2023 तक नई दिल्ली में ये पुरस्कार इनको दिया गया। अब NHPC लिमिटेड इसका मुख्यालय है फरीदाबाद हरियाणा के अंदर भारत में और ये एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की जल विद्युत कंपनी है। तो याद रखना NHPC ये लिमिटेड है ना, ये एक जल विद्युत कंपनी है और इसको अभी राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 में वार्षिक रिपोर्ट श्रेणी में दूसरा पुरस्कार अभी की बार है जीता है। रॉबर्ट सेंट किंग कोंग, रॉबर्ट है सेट किंग टोंग को किस गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नामित किया गया है, तो ये बनेंगे मोजाम्बिक गणराज्य के, ऑप्शन नंबर बी किसके है, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है रॉबर्ट सेट किंग टोंग और ये मोजाम्बिक गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में इनको नामित किया गया है। देखो इथोपिया के संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य में भारत के वर्तमान राजदूत रॉबर्ट सेट किंग टोंग को मोजाम्बिक गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नामित किया गया। यह नैतिक नियुक्ति एक अनुभवी राजनीतिक है और 2001 बैच के ये भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। तो ये 2001 बैच के भारतीय विदेश सेवा के भी अधिकारी हैं। कौन है, ये हैं वर्तमान राजदूत रॉबर्ट वेट किंग होंग और इनको मोजाम्बिक गणराज्य में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। हाल ही में अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स 2023 फॉर्मूला 1 किसने जीता है, हाल ही में अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स 2023 फॉर्मूला 1 जीता है मैक्स वेस्टापेन ने, ऑप्शन नंबर सी किसने जीता है, मैक्स वेस्टापेन ने। देखो ये रेडबुल के ट्रिपल वर्ल्ड चैंपियन मैक्स वेस्टापेन ने सीजन के आखिरी अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स में 22 रेसों में रिकॉर्ड 19वीं जीत के साथ फॉर्मूला 1 के सबसे प्रभावशाली सीजन को खत्म है किया है। तो 22 रेसों के अंदर उन्होंने 19वीं जीत के साथ इस फॉर्मूला 1 को उन्होंने खत्म किया और जीता किसने है, मैक्स वेस्टापेन ने। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, तो टेलीग्राम पे कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, टेलीग्राम पे आप प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किस राज्य में किया गया, तो तेलंगाना राज्य में, तो मंदिर आ गया तेलंगाना में। अगर आपसे पूछे डाकघर कहाँ था, बेंगलुरु के अंदर, और इमारत कहाँ थी, इमारत थी केरल के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत सारे विद्यार्थी बड़े शानदार तरीके से मैंने देखे थे, बड़े जबरदस्त आपने जवाब दिए थे, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, वर्ष 2024 के लिए भारत देश अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता करेगा, इस संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, टोक्यो, लंदन, जकार्ता, बीजिंग, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना और लगातार आपको मेरी क्लास मिलती रहेगी बढ़िया तरीके से। तो ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास, बाकी आपको लगातार ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज दी जा रही है और अभी आज 29 नवंबर हो चुकी है और कल तक आपको पूरे नवंबर महीने का निचोड़ भी आपको मिल जाएगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।